इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा टोटल लॉकडाउन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी को सूली पर लटकाया हुआ दर्शाया गया है और लॉकडाउन को तानाशाही बताया गया है। इंदौर में पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक कर कई विषयों पर चर्चा की गई थी। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने सहित शहर में 1 जुलाई से जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन में राहत देने की बात कहते हुए 31 मई तक कोरोना पॉजिटिव रेट को स्थिर करने सहित मरीजों के बढ़ते ग्राफ को कम करने की बात कही थी। इसी के चलते जिला प्रशासन द्वारा शहर में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सख्ती बढ़ाते हुए सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर रोक लगा दी गई है। ठेलों पर सब्जी व फल बेचने वालों पर भी पाबंदी लगाई गई। इसी के चलते कांग्रेसी नेता ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। कार्यकर्ता ने आम आदमी को सूली पर चढ़ने का अनोखा प्रदर्शन करते हुए कहा कि आम आदमी की आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी है, फिर भी सरकार तानाशाही कर रही है। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। देखिए जिस तरीके से आज कोरोना की जैसी महामारी के बीच में आज हम देख रहे हैं कि सरकार गायब है। आम जनता परेशान है, कोई ऑक्सीजन के लिए परेशान है, कोई इंजेक्शन के लिए परेशान है, कोई बेड के लिए परेशान है। और इतनी परेशानियों के बीच में प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा लॉकडाउन अचानक से घोषित किया जाता है। कभी ये 2 दिन का लॉकडाउन करते हैं, कभी 3 दिन का लॉकडाउन करते हैं, कभी रात को 8 बजे, जैसे मोदी जी की आदत है रात को 8 बजे नोटबंदी, वैसे इन्होंने भी कर दिया कि रात को 8 बजे आने वाले 10 दिन के लिए शहर बंद कर दिया गया। आम जनता जिसके अंदर गरीब आदमी जो रोज रोटी रोजी कमा कर खाता है, जो व्यापारी जो बहुत ईमानदार है और बरोबर अपना टैक्स भरता है, उन सब व्यापारियों को, आम आदमी को बेरोजगार करने का सबसे बड़ा हाथ अगर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। ना तो वो उन लोगों को कोई मदद कर रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं, ना उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि वो अपने जीवन यापन का साधन कर पाए। तो इसलिए आज हमने ये प्रदर्शन करा, आज हमने बताया कि एक आम आदमी आज सूली पर लटक गया है, उसको इतनी बड़ी लॉकडाउन की मार पड़ी है कि पिछले साल भी उसको लॉकडाउन की मार पड़ी थी और इस साल भी उसके ऊपर ऐसी लॉकडाउन की मार पड़ी है कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है और अब उसको फांसी पर लटकने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता। बहरहाल अब देखने लायक होगा कि बीजेपी इन प्रदर्शनों पर किस तरह से पलटवार करती है। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।